श्रीकाल दोस्तों, मैं बत्रा फ्रॉम टेक्नो सरदार जी, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। उससे पहले जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यहां रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले, और यहां ऊपर फ्री 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 सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और यहाँ आपको मेरे और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भी आईडी मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एंड्रॉयड स्क्रीन की रिकॉर्डिंग को एडिट कैसे कर सकते हैं बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से सोनी वेगस में। एक मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई है जो कि कैमटीशिया में बताया है कि आप कैमटीशिया में कैसे एडिट कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सोनी वेगस में कैसे कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वही दो चीज़ें चाहिए जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, एक आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एक आपका PNG। तो हमें ये दो फाइल्स उठानी है और हमारे इस सोनी वेगस में ड्रॉप कर देनी है। ड्रॉप करने के बाद आपको करना ये है कि आपको पहले अपनी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग उठानी है और यहाँ पर रख देनी है। चलो हम अपना ये साउंड रिमूव कर देते हैं। आप ये साउंड रिमूव यू बटन पर क्लिक करके और साउंड पर साउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, अकेले साउंड को, तो उसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलो हम ये वाला भी एक डिलीट कर देते हैं। तो हमने ऑडियो वाला ट्रैक अब डिलीट कर दिया है। तो ये हमारी सिंपल वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए सिंपल वीडियो है ये हमारी। तो हमें अब करना ये है कि हमें यहाँ पैनल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ जहाँ पर प्रीसेट लिखा है, प्रीसेट में जाकर 16:9 कर देना है। 16:9 करने के बाद आपका ये यहाँ पर ये हाफ कर देगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ क्रॉप हो जाएगी पूरी वीडियो। उसके बाद आपको ये इमेज उठानी है और यहाँ पर डाल देनी है और पूरे यहाँ सेटअप में लगा देनी है। तो हम इसे भी बड़ा करेंगे अब, और आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और दबाकर इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, और आप यहाँ से घुमा सकते हैं, आपको कहाँ कहीं पे रखना है और कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, चलो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ये रहा, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारा फोन अब सेट हो गया है इसमें। तो हमको करना ये है कि अभी हमें फिर से अपनी वो वीडियो वाली फाइल लगानी है यहाँ पर, और ये रही हमारी वीडियो वाली फाइल, और हम उसे भी उसका भी ये डिलीट कर देंगे यू बटन क्लिक करके, और हमारा ऑडियो सेलेक्ट करके, और ये हमारी ट्रैक डिलीट हो गया। तो हमें अब करना ये है कि जो ये है हमारी वीडियो, इसे भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और उस फोन में लगा देंगे। तो चलो ये अब हमारी वीडियो फोन में लग चुकी है। आप जैसे सेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब ये सेट हो चुकी है पूरी, ये आप यहाँ देख सकते हैं सेट है ये पूरी। और इसके बाद आपको मेन स्टेप जो उसका पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करना है, तो वो आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है, गैशन ब्लर पर आ जाना है, आपको गैशन पर ब्लर पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से आपको जोन सा भी ब्लर चाहिए आप वो लगा सकते हैं। चलो मैं डिफ़ॉल्ट लगा देता हूँ हमारे फर्स्ट वीडियो ट्रैक पर जो कि इसका बैकग्राउंड वाला है, तो हमने लगा दिया। और आप ये देख सकते हैं कि हमारी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एडिट कर सकते हैं सोनी वेगस प्रो में। इसकी मैं और वीडियोस लाने वाला हूँ आप सबके लिए सोनी वेगस के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।